जब अपना हाथ जला है तो सब लोग चिंपो मचाए हुए। हम दोषी किसी अधिकारी को नहीं, हम दोषी सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को मानते हैं। बदहाल बिहार के जिम्मेवार लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है। जब से छुट्टियों में कमी बेसी की गई है, हिंदू धर्म के छुट्टियों को घटा दिया गया है, वहीं मुस्लिम धर्म के छुट्टियों को बढ़ाने की बात हुई, और अब के पाठक का नया फरमान जारी हो गया है कि शिक्षक संघ नहीं बनाना है, संघ में शामिल नहीं होना है, और यहाँ तक कि अगर मीडिया में बयानबाजी किए तो सैलरी भी कट जाती है। देखिए, MLC संजय सिंह की सैलरी को भी रोक दिया गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के MLC संजय मयूख जी हमसे जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भारत लाइव के श्रोताओं को। सर, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है बिहार में? वो मीडिया में अगर कोई बयानबाजी कर रहा है तो उसकी सैलरी रोक दी जा रही है। तो घर को लगी है आग, घर के चिराग से जैसा किया है वैसा पाया है। इन सब लोगों ने एक ऐसी सल्तनत चलाई है जिस सल्तनत के अधीन शिक्षा व्यवस्था बदहाली के कगार पर खड़ा है। लेकिन अब जब अपना हाथ जला है तो सब लोग चिंपो मचाए हुए हैं, लेकिन कल तक बेरोजगारों का, नौजवानों का दिल जल रहा था, तो ये नीरो की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी बंसी बजा रहे थे। आज संजय सिंह के साथ हुआ है तो कल तो पहले बेरोजगारों के साथ भी होता था। बिल्कुल, BPSC के छात्र भी अगर कुछ बोल दिए तो तंगो तबाह है। मैंने बार बार कहा कि घर को लगी है आग, घर के चिराग से। शिक्षा व्यवस्था के बदहाली के जिम्मेवार कोई और नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि आज दर दर की ठोकर खा रहा है नौजवान, मतलब एग्जाम पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तरह तरह की, विविध तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और विविध तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, जिन निर्णयों से सीधा संबंध जनता का है और जनता पनाह मांग रही है इन लोगों से। तो क्या लग रहा है, के पाठक मतलब किस प्रकार का काम कर रहे हैं? कुछ काम तो उनके सराहना ले, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। कप्तान है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कप्तान के अधीन ये काम हो रहा है। हम दोषी किसी अधिकारी को नहीं, हम दोषी सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को मानते हैं। शिक्षा मंत्री का विभाग है, उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई बयान भी नहीं आता है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने बार बार आपसे कहा कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। कप्तान के अधीन सब कुछ हो रहा है, तो कप्तान पर हमारा आरोप है कि इस तरह से बदहाल शिक्षा व्यवस्था आज़ादी के बाद आज तक नहीं देखा गया। शिक्षा मंत्री जी क्या लग रहा है, स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं? उनका सरकार अस्वस्थ है, सरकार अस्वस्थ है, नीतीश कुमार भी अस्वस्थ है, सरकार अस्वस्थ है और सरकार सारे निर्णय अस्वस्थ, बिना विचारे, तो बिना विचारे जो करे पाछे वो पछताए, तो पछता रहे लोग। MLC संजय सिंह कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। पहले तो सरकार को समर्थन करते थे, नौजवानों का सवाल आया तो सरकार को समर्थन कर रहे थे, जब अपना हाथ जला है तो सामने आ गए हैं। तो भाजपा की क्या रणनीति होगी तमाम मुद्दों? कोई रणनीति नहीं, भाजपा की एकमात्र रणनीति है कि इस बदहाल बिहार के जिम्मेवार लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। सर, लोकतंत्र पर एक तरह से हमला है, संघ कोई नहीं बनाएगा, फेसबुक पर लाइक कमेंट नहीं करेगा, ये किस तरह की राजनीति है? तो हम तो पहले से कहते थे ये तानाशाह सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से जो निर्णय ले रही है वो तालिबानी निर्णय ले रही है, तो इन निर्णयों का प्रतिकार तो होगा। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब राजा आक्रमण हो जाता है तो जनता उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। सर, एक अंतिम सवाल, इस निर्णय पर दोनों गठबंधन के अलग अलग जो गुट हैं उनमें भी सामंजस्य नहीं है, वो भी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं? ये सब मिली जुली सल्तनत है। इस मिली जुली सल्तनत में ये लोग मीठा मीठा गप गप, करवा करवा थू थू कर रहे हैं।
तो देखिए, ये थे हमारे साथ संजय मयूख जी, भाजपा के MLC हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो अस्त व्यस्त हो गई है, और ये मिलीजुली भगत है, कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है लेकिन दोनों की ही इसमें मिलीजुली है, और जो सरकार है उससे जो है जनता त्रस्त हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।